ऑरलैंडो नरसंहार से आहत तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने जहां एक तरफ घटना को इस्लाम विरोधी करार दिया तो वहीं दुनिया को भारत से धार्मिक सद्भाव का पाठ सीखने की नसीहत दी है। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की तरफ से आयोजित एक प्रार्थना सभा में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने ऑरलैंडो में हुई घटना की कड़ी आलोचना की। दलाई लामा की माने तो इस्लाम का कोई भी सच्चा अनुयायी इस तरह की खून खराबे को अंजाम दे ही नहीं सकता। इसके साथ ही दलाई लामा ने पूरे विश्व को भारत से प्रेरणा लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक सहिष्णुता के मामले में दुनिया को भारत से सबक लेना चाहिए, जहाँ सभी धर्मों के मानने वाले आपसी प्रेम के साथ शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत को सह अस्तित्व का पर्याय बताते हुए खाड़ी के देशों के धार्मिक नेताओं को भारत दौरा करने की सलाह दी। आइए आपको बताते हैं कि प्रार्थना सभा में दलाई लामा ने लोगों के सामने क्या सवाल रखे। प्रार्थना सभा में सवाल उठाते हुए दलाई लामा ने कहा कि तमाम समस्याओं के बावजूद अगर भारत धार्मिक सद्भावना कायम रख सकता है तो फिर बाकी विश्व ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया। आपको बता दें कि दलाई लामा बौद्ध धर्म गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तिब्बत पर चीन के आक्रमण के चलते दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। विश्व शांति के लिए दलाई लामा ने विश्व के 50 से भी ज्यादा देशों का भ्रमण किया था, जिसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ बिल्कुल, दलाई लामा ने जो बात कही उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी अनेकता में एकता ही दुनिया को आईना दिखाती है। देखते रहिए डीबी लाइव।